हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो मिलता है और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स है जिनका एनालिसिस हम डालते हैं। लाइव ट्रेडिंग भी हमारा होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। ये लाइव के कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो डेली एनालिसिस वीडियो भी हम डालते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के। तो अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो या ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले एनालिसिस वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का टॉपिक जो है हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का है, जो कि IEX जो शेयर है उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी ऊपर की लेवल से बाय करके यहाँ तक अभी तक फंसे हुए हैं, ये उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो अगर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में, अगर देखेंगे अभी मार्केट ने फ़िलहाल अभी लेटेस्ट जो है लगभग 4 से 5% का एक जंप आया है IEX शेयर में। तो बेसिकली ऐसा न्यूज़ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया है और ये वाला जो हाई है ये ब्रेक किया है, जो कि इसका लेटेस्ट 52 वीक का हाई है, ये इसने ब्रेक कर दिया है। अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक दो कैंडल हमें मंथली की क्लोजिंग मिली है, काफ़ी अच्छी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो यहाँ पे 52 वीक जो हाई है ये अभी ब्रेक किया है रिसेंटली। अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने लगभग एक साल से यहाँ पे एक बॉटम बनाया है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉटम दिख रहा है। ये टर्न अराउंड होते हुए कहीं ना कहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक W पैटर्न फॉर्म करके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। अगर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा शेयर है IEX जो है, एनर्जी का शेयर है, एनर्जी एक्सचेंज अपना इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो ये मोनोपोली शेयर, ये तो सबको पता ही है, फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक का। बस ये जो अभी करेक्शन हुआ है ये काफ़ी अच्छा टाइम वाइज करेक्शन मुझे दिख रहा है। अगर इसको नीचे जाना होता तो ये ब्रेक कर देता था लो, ये लो ब्रेक कर देता मार्केट, लेकिन ये लो जो बना है, ये लो है 116 रुपये का, ये जून 2023 में बनाया हुआ है। तो इसके बाद में ये लो कभी ब्रेक नहीं हुआ है, कम से कम 1 नवंबर 2023 तक ये लो अभी तक इंटैक्ट है। तो ये लो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये लो अगर मार्केट को ब्रेक करना होता तो यहाँ तक इतना वेट नहीं करता, तो और नीचे आ जाता। तो कहीं ना कहीं यहाँ से टर्न अराउंड ये शेयर हो रहा है, ऐसा दिख रहा है टेक्निकली चार्ट से। तो जहाँ पे भी आपको अभी जिनका भी होल्ड है तो होल्ड रखे, यहाँ से ये ब्रेकआउट जो दिया है, इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है, तो ये 194 का ये फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर सेकंड टारगेट पकड़ेंगे तो लगभग 200 जो है इसका सेकंड टारगेट होने वाला है, 195 से लेके 200 ये फर्स्ट टारगेट पकड़ के चलिए आप। उसके बाद में अगर देखेंगे सेकंड टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो 245 ही हमारा सेकंड टारगेट है, और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये 300 प्लस का रहेगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा अगर होल्ड कर सकते हो आप, ये मोनोपोली स्टॉक है, तो आप लॉन्ग टर्म इसका अगर व्यू रखेंगे एक 2, 3, 4 या 5 साल का, तो ये 300 प्लस जा सकता है। मंथली अगर कैंडल्स देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी वीकली हम एक बार देख लेते हैं। तो वीकली में अगर देखेंगे तो ये वाला जो हाई था, ये 52 वीक हाई, ये इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है। तो ये टारगेट निकल के आ रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो फर्स्ट टारगेट 195 से लेके 200 का टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म पोजिशन बना सकता है, और जिनको लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है तो वो वेट कर सकते हैं इसको एक डिप आने का। यहाँ से अगर मार्केट जो निफ्टी अभी स्टीप मूव दिया है, एक अपसाइड का जो रैली दिया है, उसका अगर करेक्शन आता है तो मार्केट में
करेक्शन आने के बाद इस स्टॉक में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन शायद आ सकता है। यहाँ पे मार्केट इस टाइप से कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे बाय ऑन डिप आप कर सकते हो, जिसका स्टॉप लॉस जो है 115 का रहेगा, मतलब 20 कैंडल के लो के नीचे जो है ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, तो यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो। लेकिन आपको बाइंग जो है ये डिप पे ही बाइंग करना है इसे, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं प्रेफर करूँगा कि इसे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हो। अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, यहाँ पे बॉटम पे मिल रहा है आपको। जब भी इसका डिप आएगा तो आप बाय कर सकते हो। इसकी बाइंग प्राइस जो रहेगी 120 से लेके 125 से लेके 140 तक आप इसको बाय करके चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म इसे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये एक मोनोपोली शेयर है और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे बाय करके बाय ऑन डिप करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से। और शॉर्ट टर्म अगर आप चाहिए तो आप एक डिप जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, इसे बाय करके चल सकते हो। अगर डेली देखेंगे चार्ट पे तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन जो हुआ है इसका, इसका ब्रेकआउट हमें दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग। ये डेली कैंडल भी अगर देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आपको मिल गए हैं, लेवल्स मिल गए हैं, और बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है आपको 125 से लेके 140 के बीच में आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से बाय कर सकते हो। जब भी ये अप मूव देगा तो आप इसका पिरामिडिंग भी कर सकते हो। तो ये था आज का एनालिसिस वीडियो जो IEX का था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।